एंड सब इस लोग आराम से तरह पाओ, बैठे। इस तरह पाओ आप। एक ही ऐसे आ जाइए आईडी से, शालिनी जी और नीतीश जी। मैम देन वी हैव टू यूज दैट हेडफोन्स ना, सो दैट्स व्हाई वी आर। मैं सबका म्यूट, वो अनम्यूट ऑप्शन डिसेबल कर रही हूँ ताकि किसी को भी कोई वो ना हो जाए डिस्टरबेंस। डिसअलाउइंग एंड वी आर ऑन म्यूट। परफेक्ट। तो अब इसमें होपोनोपोनो शुरू करने से पहले आप लोग किस तरफ अपनी ये होपोनोपोनो की एनर्जीज भेजना चाहेंगे उसके बारे में सोचें, विजुलाइज करें और उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे। सो जस्ट जब शुरू करने से एक मिनट पहले वीडियो ऑडियो विचार करो कि किस चीज़ को अपनी लाइफ में कौन से एरिया में बोलना चाहोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो यूनिवर्स से हेल्थ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल दीजिए। फाइनेंस में है तो फाइनेंस के लिए बोल दीजिए। रिलेशनशिप में है तो या तो उस बंदे को बोल दीजिए, उस बंदे की सोल को जिससे अपने चैलेंज चल रहा है, या फिर यूनिवर्स से सिंपली रिलेशनशिप के लिए अपन सारे 108 टाइम्स रिपीट होगा ये, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अगेन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो 108 की माला है ये, ठीक है। टेलिंग बिकॉज शालिनी जी नए हैं, शालिनी जी और नीतीश जी, यस। तो चलिए शुरू करें, आराम से बैठ जाइए, हाथ आपके आपके घुटनों पे आसमान की तरफ ऊपर खुले हुए। जब भी अपन मेडिटेशन करेंगे अपने सारे मेडिटेशन ऐसे होंगे, ठीक है, नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनी वंस प्लेस। चलिए आंखें बंद, नीति जी को कुछ कहना है क्या? एक सेकेंड रुकिए। हाँ अनम्यूट करिए, बोलिए मैम। ये जो थैंक यू सॉरी, किसी भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए सभी के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए सारा कुछ। अगर 108 के 8 मतलब आपको रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चैलेंज है तो हाँ उसी को एक को बोल दीजिए। अगर कोई ऐसा मतलब चैलेंज नहीं है तो फिर मैं तो मतलब एक ही को प्रेफर करूँगी 108 के पूरे बिकॉज अभी अपन ग्रुप में भी कर रहे हैं तो वो 108 मल्टीप्लाई बाय 11 होने वाला है अभी, राइट। सो वो पूरी एनर्जी मैं चाहूँगी कि वो एक ही को चली जाए तो वो चैलेंज ही खत्म हो जाए। सो जस्ट वन चैलेंज पर पर्सन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्लोज योर आईज। दिलीप जी को क्वेश्चन। हाँ बोलिए मैम। अगर मान लीजिए मनी के लिए करना हो तो क्या बोलना चाहिए, क्या मतलब क्या सोचें? यूनिवर्स से माफी मांगिए कि शायद मैंने जाने अनजाने मनी को डिसरेस्पेक्ट कर दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलो हो गया डिसाइड शालिनी जी किसको क्या करना है। ओके चलिए, सो वेलकम वेलकम अर्पिता जी एंड मंजू मंजू जी। सो आंखें बंद, जय श्री कृष्णा। आप प्लीज कोई म्यूट ना कर, अनम्यूट ना करें, ठीक है। यस, क्लोज योर आईज। अपना ध्यान उस एरिया की तरफ लगाइए जहां आज पूरी होपोनोपोनो की माला करने वाले हैं अपन। उसको विजुअलाइज कीजिए, उस रिलेशनशिप की सोल को, उन पैसों के लिए यूनिवर्स के आगे नतमस्तक होइए, उस हेल्थ के लिए जो अपन ने गलतियां कर दी जाने अनजाने उसके लिए यूनिवर्स से माफी मांगेंगे आज हम। सारा ध्यान हमारी सांसों पे केंद्रित एंड मैं शुरू कर रही हूँ। आवाज आ रही है तो कोई एक जना मुझे थम्स अप दे दे।
Thank you. I love you.
Thank you. I love you. I'm
I'm sorry.
अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर केंद्रित रख करें। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पे अपना ध्यान लगाएं। अपने पैरों की छुअन को महसूस कीजिए। अब जैसे जब भी कंफर्टेबल लगे दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं और आंखें खोल सकते हैं। Okay, I'm giving you the rights to unmute. Who would like to share? जी दिलीप जी, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया करके, बहुत शांति मिली, सुकून मिला, एक मेंटल पीस जिसे कहते हैं वो एकदम, मतलब ऐसे लगा जैसे कहीं खो गए हैं हम लोग एकदम।
बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आज मुझे तो मेरे ख्याल से 40-50 भी नहीं हुए थे और टप 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 शुरू हो गया आंसू मेरे को साइनस ब्लॉक हो गया मतलब मेरा। यस, हु वुड लाइक टू शेयर नेक्स्ट? बहुत शांति मिली दीदी, मतलब माइंड बिल्कुल एक ही तरफ था। ऐसा लग रहा था, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेली उस यूनिवर्स में घूम रही हूँ और मेरे कानों में आवाज आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही। गुड गुड, थैंक यू दी, थैंक यू वेरी मच। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? श्रेया, हेमलता जी, मंजू जी, हेमलता जी, हाँ आवाज आ रही है जी। बहुत टाइम तक मैंने पहले भी किया, इससे तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिला था जी, और आज भी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैंने 2 बैचेस तक, मतलब 2 मंथ तक रेगुलर किया था ये जी। थैंक यू ये बताने के लिए, आपने मुझे बताया, उसके बाद से मेरे को बहुत रिलीफ हुआ और आज भी करके बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, न्यूकमर्स, शालिनी, अनिति जी, आप लोगों का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये डूब पाए उस चीज में? हाँ जी मैम, बस काफी देर तक तो बहुत कंसंट्रेशन था, फिर बीच में लेकिन थोड़ा थोड़ा गया, लेकिन काफी अच्छा लगा मुझे। लाइक जितनी भी देर वो था, मतलब लाइक हमने शायद हाफ एन आवर किया होगा, 20 मिनट्स किया, तो उसमें आराम से 15 मिनट्स लाइक मेरा कंसंट्रेशन था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ म्यूजिक है, ये जो वॉइस आ रहा था, और बस मैं, और काफी अभी मुझे रिलैक्स लग रहा है। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? संजना जी भी आए हैं आज, वाह वाह, आप कंसंट्रेट करेंगे? नीति जी, हाँ बोलिए। मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। जिसके लिए किया था, मतलब जिस भी एरिया में किया था, वो विजुलाइज हो पाया आपको? हाँ वो विजुलाइज तो किया मैंने, अच्छा ऐसा कुछ नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुरुआत वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत अर्ली है, ये यूजुअली 3rd week में पढ़ाते हुए, सो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। यस पारुल, हाँ जी, हाय, हेलो जी। challenges in my life, huh? Yes. So actually, मुझे detachment के लिए पहले आपने मुझे refer किया था, ये open किया। तो initially जब मैं उसमें batch 14 में थी, January में, तो उस time पे मैंने इसको 1.5 महीने continue किया था। फिर बीच में मेरे challenges मुझे sort out होते नहीं लग रहे थे, तो थोड़ा मेरा इस prayer से detachment हो गया था, like मैं इसको continue नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज जब वापस मैंने इसको किया ना, तो वो वापस वो detachment जिस चैलेंज के लिए मैं कर रही थी, वो सब सारी चीजें वापस मतलब मेरे कंट्रोल में आई है। तो ये रिवाइवल हुआ है मुझे, तो मैं बीच में थोड़ा सा ट्रैक से हट गई थी, मतलब मैं थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी, क्योंकि मेरे चैलेंजेस सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे अभी भी। तो ये मुझे वापस ट्रैक पे लेके आने के लिए थैंक यू। बहुत लंबे टाइम के बाद में आज वापस मेडिटेशन कर पाई, मतलब मैं जब बैचेस में थी तभी मेडिटेट कर पा रही थी, अलग से बैच के तो 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का मेडिटेशन हो नहीं पाता था जी। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस अ चांस। थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू। हाँ जी मंजू जी, मेरा हाँ अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि आज तो बेस्ट हो, आज आपके यहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं है या मेरा पता नहीं। अच्छा मुझे आप करती वैसे, हाँ मुझे आप भी दिख नहीं रहे हो, बहुत वैसे दिख रहे हो। आप मेरे यहाँ तो लाइट चली गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, आगे लाइट। अच्छा। हाँ पर आप आपका स्क्रीन भी फ्रीज है और आवाज भी नहीं आ रही हम लोगों को। हाँ। आपके बोले क्या अच्छे से करना नहीं आ रही है मंजू जी आवाज, बस इतना समझ में आ रहा है कि अच्छे से नहीं हुआ शायद। आपके एक एक
नहीं आ रही आज, आज कुछ चैलेंज आया मैं आपके वहां पे। हेलो, हाँ जी, चलो जी बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा लो दिखा रहा है आपका बैंडविड्थ। ओके सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर होपोनोपोनो। अगर आप लोगों के पास समय है तो मैं एक 10 मिनट की फॉरगिवनेस साधना करवा देती हूँ। 10 से 12 मिनट लगेंगे, जो लोग रुकना चाहे रुक सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लॉग आउट। नो नो इश्यूज, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्विकली करते हैं अपन ये वाली। जो मैं करवाती हूँ ये वो वाली, आज मानसी फ्री नहीं थी, मैंने पूछा उनसे, नहीं तो आज उसकी वाली करवा देते। ओके सो अगेन मेडिटेशन पोज में बैठना है अपने को, ठीक है। एक बार पहले मुझे देख लीजिए सब लोग, जो लोग बहुत दिनों बाद में कर रहे हैं वो भूल गए होंगे कि जब मैं बोलूँ फोल्डेड हैंड्स तो ऐसे फोल्ड करने हैं, जब मैं बोलूँ ब्लेस तो ऐसे ब्लेस करना है, जब मैं बोलूँ कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट तो पहले राइट हैंड और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, पहले राइट फिर उसके ऊपर लेफ्ट, और जब मैं बोलूँ कट द कॉर्ड तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। होल्ड योर हैंड्स, ब्लेसिंग ओवर योर हार्ट, हैंड ओवर योर हार्ट एंड कट कट कट। ओके चल, सो लेट्स क्लोज आवर आईज। डीप ब्रेथ, विथ फोल्डेड हैंड्स। The past is over. It has no power over me now. I am a divine soul. मैं एक पुण्यात्मा हूँ। हम सब एनर्जी हैं। मैं अपनी आत्मा को नमस्ते करती हूँ, कहता हूँ। आध्यात्मिक विकास एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, गलतियां भी हो जाती हैं, हम सब गलतियां करते हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ टूडे फॉर हर्टिंग मी, ट्रबलिंग मी एंड कॉजिंग पेन टू माई सेल्फ। सॉरी कि मैंने अपने आप के लिए कभी बुरा बोला होगा। सॉरी कि कभी मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया होगा। सॉरी कि कभी किसी और की कहीं भी बात का मैंने अपने दिल को दुख पहुंचाया होगा। भगवान मुझे सही रास्ता दिखाए। मे पीस प्रिवेल इनसाइड मी। मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। मैं अपने आप को इस बंधन से आज मुक्त करती हूँ। इस पास्ट से जो नाता मेरा बंधा है, जो डोर मेरी बंधी है, उससे आज मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। शांति का अनुभव करें। ब्लेसिंग पोजीशन ऑफ हैंड्स। अपनी आत्मा को ब्लेसिंग दे रहे हैं हम, अपने आप को ही विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। शांति शांति। शांति शांति।
शांति शांति हमारे पास से हमारा एक डोर बंधी हुई है, पास से हमारे आज के बीच में एक डोर बंधी है, उसको हम कट करेंगे, कट कट कट, हाथ नीचे, हाथ नीचे। गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज हीलिंग मी, गॉड इज गाइडिंग मी। नाउ इमेजिन समवन हु हर्ट यू, जिसने आपको कोई दुख दिया, दर्द दिया, कोई क्षति पहुंचाई। अपने दोनों हाथ दिल पे, राइट हैंड फर्स्ट, उससे कहें कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, यू आर अ डिवाइन सोल, मैं भी एक पुण्य आत्मा हूं, हम सब एनर्जी हैं, मैं तुम्हारी आत्मा को नमस्ते करती हूं, करता हूं। आध्यात्मिक विकास एक लंबा प्रोसेस है जिसमें समय लगता है और गलतियां हो जाती है, हम सब गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मुझे हर्ट करने के लिए क्षमा करती हूं, करता हूं। May peace prevail on you. Blessing position. उनको दोनों हाथों से blessing देंगे हम। ओम शांति शांति ॐ शांति शांति उस इंसान और हमारे बीच में एक डोर बंधी हुई है, उसको हम कट करेंगे, कट कट कट, हाथ नीचे। शांति का अनुभव कीजिए, उनको क्षमा करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम उन्हें याद करेंगे जिन्हें शायद हमने कभी जाने अनजाने क्षति पहुंचाई, दुख दिया, दर्द दिया, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। सो अभी हम उनको नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हमने किस किस को क्या क्या दर्द दिया, लेकिन उन्हें हम याद हैं। सो अपने दोनों हाथ हम दिल पे रख के उनकी आत्मा से कहते हैं, तुम एक पुण्य आत्मा हो, मैं भी एक पुण्य आत्मा हूँ, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एनर्जीज हैं, मैं आपकी आत्मा को नमस्ते करती हूँ, करता हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी,
कि मैंने आपको दुख पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, दर्द दिया, दुख दिया, मुझसे हुई किसी भी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ, और मैं पूरे सिंसियर एफर्ट्स करूँगा कि ये गलतियाँ दोबारा कभी ना मुझसे कभी रिपीट ना हो। May peace prevail upon you. Blessing position. Shanti. Shanti. उन सभी और हमारे बीच में एक डोर बंधी हुई है जिसको हम कट करेंगे। कट कट कट। सभी से शांति, सभी से माफी मांग के बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ नीचे, शांति का अनुभव लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी कंफर्टेबल लगे दोनों हाथों को रख करें, अपनी आंखों पे लगाएं और फिर भी आंखें खोलें। ऑल गुड। किसी को कुछ कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, बहुत हल्का, मतलब बहुत अच्छा लगा सच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू डियर। बोझ लेके बैठ जाते हैं हम लोग, उसने मेरे साथ ऐसा किया या ऐसा हुआ मेरे साथ, अच्छा लगता है वो बोझ उतर जाता है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, मतलब बिना बात के अपने आप को, मतलब अपने आप को हर्ट करते बिना बात के। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अर्पिता जी, दीदी आपको थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। एक्चुअली और तो ज्यादा कुछ नहीं, पर पिछले कुछ दिन पहले मेरे से किसी को ऐसा कुछ कहा जो गुस्से में मैंने कह दिया, बाद में मुझे फील हुआ कुछ कहना, और वो चीज पिछले कुछ दिनों से मेरे माइंड में चल रही, तो आज ये करके तो बहुत रिलैक्स फील हुआ। थैंक यू सो मच। गुड गुड। थैंक यू वेरी मच डियर। आज ऐसा लगा कि नहीं यार ठीक है, जो भी है उसे कट आउट कर रहा। गुड थैंक यू। Anyone else would like to share? Shanti ma'am. Haanji. मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहा है, और कई बातें जो लिटरली ऐसे शायद माफ करना, मतलब या
माफी मांगना पॉसिबल नहीं होता कई बार. कई बार हम बहुत छोटी सी बात को भी बड़े लेके बैठ जाते हैं, एकदम बार बार वो हमें याद करती है, परेशान करती है. पर अभी ऐसे मुझे ऐसा लगा जैसे वो फ्लो हो गया, अभी वो चला गया. बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे रोना आ गया था. गुड क्लेंजिंग हो गई. थैंक यू. यस, एनीवन एल्स? चलिए वाइंड अप करते हैं, मेरे कॉल का टाइम हो रहा है 9:00. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे एंड विल कीप सीइंग यू. हेमलता दादी को कुछ कहना है? थैंक यू बोल रहा है. अच्छा जी, नहीं मतलब मेरे लिए तो आज मैंने फर्स्ट टाइम नहीं किया. अब तो मैं उन सब से जो मेरे ऊपर तो सबसे बड़ा बोझ ही यही था. मैंने आप तो जानते हो सब यही. बट ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से और होनो पोनो से ही बहुत अब तो बहुत रिलीफ है. अब इतना वो जो स्टार्टिंग में फील होता था जी, अब उन सब चीजों से मैं फ्री हो चुकी हूँ. Good, very good, Imrata ji. Thank you so much. Thank you. And all the best for your numerology page and whatever the thing you are doing. Thank you. Keep yourself busy. Yes. Thank you very much. Sanjana ji ko kuch kehna hai? Haan ji. Thank you. Bahut relief mila mujhe ye karke. Aur ho'oponopono bhi karne ke baad maine health ko choose kiya tha. जी. तो उसमें भी मेरे को थोड़ी सी जैसे रिलीज होती है वहां से एनर्जी तो फील हुई. और वो होपोनोपोनो मैं एक रिलेशन को लेके जो कर रही हूँ वो अभी भी करती हूँ हमेशा. okay. तो उसमें अभी भी मुझे आंखों में पानी आता है जी. तो कंटिन्यू है और फॉरगिवनेस करके बहुत हल्का फील हो रहा है. वेरी गुड, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. क्वेश्चन पूछ सकती हूं? हां जी. ओपोनोपोनो में जैसे आपने बताया कि आप किसी भी एरिया को लेके कर सकते हैं जी, तो आप अपने को जिस एरिया में चैलेंज है जी, अपन उसके लिए करते हैं, तो अपने को कुछ विजुलाइजेशन में लेने की मतलब कभी जाने अनजाने अपन ने डिसरेस्पेक्ट कर दिया उस एनर्जी का, तो वो ही ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स से माफी मांगनी है. क्योंकि अभी तक क्या होता था, आपने मुझे जब भेजा था ना तब से मैं सिर्फ उसको खुशी आई. अच्छा, मैंने कभी ये डायरेक्ट नहीं किया. हाँ, ऐसे बैठ के कभी नहीं किया मैं भी. कैसे कोई बात नहीं. लर्निंग्स. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे एवरीबॉडी. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. थैंक यू.